और बड़ी खबर, आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में अखिलेश यादव से उनकी समर्थकों की मुलाकात होने वाली है। इस दौरान पार्टी ऑफिस में बड़ी संख्या में लोग अखिलेश यादव को जीत की बधाई देने पहुंचने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी दफ्तर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया पहुंचेंगे और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस दौरान पार्टी ऑफिस में पहुंचेंगे और जो जीत, शानदार जीत दर्ज की है, 37 सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, उसके लिए बधाई देने के लिए समाजवादी ऑफिस पहुंचेंगे तमाम कार्यकर्ता नेता मिलने के लिए अखिलेश यादव से। और वहीं एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 293 सीटों पर जीत कर आई है एनडीए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। सम्राट जी, आप दिल्ली पहुंचे हैं, कल एनडीए की बैठक होगी, संसदीय दल की बैठक होगी, आप सभी जो सीएम डिप्टी सीएम हैं बिहार के और बाकी प्रदेशों के उनके साथ बैठक होगी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश होने जा रहा है। जनता ने आशीर्वाद दिया है, 292 सीटों पर एनडीए जीत कर आई है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। जनता ने मोदी जी को वोट देने का काम किया, इसलिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होंगे। जेडीयू को लेकर के जो कही जा रही थी बातें आरजेडी की तरफ से और बाकी इंडिया अलायंस के लोगों की तरफ से, आपको लगता है कि उसमें दम नहीं है? जेडीयू तो साफ करिए कि हम एनडीए के साथ हैं। ये सब बेफालतू की बातें हैं। आरजेडी के पास कोई काम करने का सिस्टम है क्या? बिहार को लूटा है, बिहार के लोगों को जातिवाद में फंसाने का प्रयास किया है, ये गुंडागर्दी वाली पार्टी है, ये क्या करेगी? 2025 विधानसभा चुनाव में नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा। नीतीश कुमार जी 1996 से एनडीए के नेता हैं, इसमें प्रश्न कहां उठा? जिनको प्रश्न है वो जाने, और जिन लोग याद कीजिए, यही आज से 3 महीने पहले नीतीश कुमार जी की पार्टी को कौन तोड़ रहा था, तो पूरा देश ने देखा कौन तोड़ रहा था, यही ललटनिया वाले लोग, याद हो गया। अभी उस पर भी कार्रवाई होना बाकी है। न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आ रही है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई है। दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू संसदीय दल की बैठक अब से कुछ देर बाद यानी 9:30 बजे होनी है। इसके बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नीतीश कुमार फिर पहुंचेंगे, जो कैबिनेट की बैठक हो रही है एनडीए की, माफ कीजिएगा, जो एनडीए की बैठक हो रही है उसमें पहुंचेंगे। उससे पहले जेडीयू के तमाम जो संसदीय दल की बैठक हो रही है जिसमें तमाम सांसदों के साथ मुलाकात करने वाले हैं नीतीश कुमार, सुबह 9:30 बजे का वक्त तय है। और इसके बाद एनडीए संसदीय दल की जो बैठक होनी है उसमें हिस्सा लेने के लिए भी नीतीश कुमार को पहुंचना है, तो ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। रवि सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, इस बैठक के बारे में क्या आप देखते हैं? 9:30 बजे नीतीश कुमार के दिल्ली वाले आवास, सरकारी आवास पर यह बैठक है, जिसमें क्योंकि जेडीयू के 12 सांसद इस बार जीत कर आए हैं, तो जेडीयू एक बड़ा घटक दल है इस एनडीए और एनडीए के सहयोगी दलों में से तीसरे नंबर पर यह पार्टी बनकर उभरी है, क्योंकि 12 सांसद हैं, टीडीपी के 16 हैं, इसके अलावा बीजेपी के हैं। तो आज जेडीयू अपने संसदीय दल की बैठक करेगी, यानी कि 12 सांसद होंगे, उसके अलावा जो जेडीयू के सीनियर नेता हैं, चाहे वो महासचिव हो, चाहे और भी दूसरे सीनियर नेता हैं जो की पोजीशंस पर हैं, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। एक दिन पहले नीतीश कुमार के घर पर सीनियर नेताओं 3 दफा बैठक हुई, 3 दौर में बैठक हुई, जिसमें बड़े बड़े नेता वहां पर शामिल हुए हैं, वहां बधाई भी देने के लिए, और आज स्ट्रेटजी किस तरीके से होगी, क्योंकि जेडीयू एक दिन पहले ही जेडीयू की तरफ से कुछ ऐसी डिमांड सामने आई थी, उसको लेकर भी स्ट्रेटजी तय की जाएगी, और कौन कौन से मंत्रालय जो संभावित है उस पर चर्चा एनडीए की बैठक में की जानी है। उससे एनडीए की बैठक में जाने से पहले नीतीश कुमार अपने नेताओं से बातचीत करके एक फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना चाहते हैं, जैसे कि 11 बजे की जो एनडीए की बैठक होगी पार्लियामेंट के अंदर, पुराने पार्लियामेंट के अंदर, वहां पर अपनी चर्चा कर सके और अपनी पार्टी की तरफ से डिमांड कर सके। बिल्कुल। और रवि, मोटा मोटा होमवर्क तो हो गया होगा जेडीयू की तरफ से, जैसा आप बता रहे हैं कौन कौन से, अब जो नई कैबिनेट होगी उसमें कौन कौन से अहम मंत्रालय जो हैं वो इनके हिस्से में आए, उस पर विचार विमर्श हो गया होगा, लेकिन फाइनल मोहर आज अपनी अंदरूनी जेडीयू की बैठक में लग जाएगी।
बिल्कुल लग जाएगी, क्योंकि देखिए 9 तारीख का की जो डेट आई है और न्यूज 18 इंडिया पर राष्ट्रपति भवन की वो तमाम जो तैयारियों को लेकर तस्वीरें भी आई हैं, जब शपथ ग्रहण समारोह होना है 9 तारीख को शाम को 6 बजे, उससे पहले आज एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक पार्लियामेंट में होनी है जिसमें औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को चुना जाना है। बिल्कुल, उससे पहले जो तमाम वो तैयारियां हैं, अपनी अपनी जो पार्टियां हैं एनडीए के घटक दल, वो तैयारियां करके ही एनडीए की बैठक में जाएंगे जिससे कि वो डिमांड कर सके। रवि, आप नजर बनाए रखें, जैसे कुछ और अपडेट आता है हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हुए भारी नुकसान के बाद अब इसकी वजह क्या रही वो तलाशी जा रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले संगीत सोम ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में मुजफ्फरनगर सीट पर मिली हार की समीक्षा की मांग कर दी है। और खासतौर से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का हारना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सरधना विधानसभा क्षेत्र में हमको लगता है हम जीते हैं, बाकी बुढ़ाना हम हारे हैं, चरथावल भी भारतीय जनता पार्टी हारी है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, मेरी जिम्मेदारी सरधना विधानसभा की थी, सरधना विधानसभा से ही मैं विधायक रहा हूँ 2 बार और सरधना विधानसभा में ही मैं काम करता हूँ, वहीं मेरा गांव है। सरधना विधानसभा की मेरी जिम्मेदारी थी, सरधना विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, बराबर रहे हैं, बाकी बुढ़ाना पे हारे हैं, बाकी चरथावल पे हारे हैं। उन सीटों पर हमारे शहर की विधानसभा है जिसपे हम 30,000 से जीतते थे, उस पर 800 वोटों से जीते हैं। ये समीक्षा के विषय है, ऐसा क्यों हुआ है और समीक्षा होनी चाहिए, और क्या कारण रहा है कि हम जो हमारी मजबूत सीट थी जिन्हें 30,000 से जीतते थे वो हार गए हैं हम 15,000 और 15,000-20,000 से, तो ये समीक्षा का विषय होनी चाहिए। इस बीच शेयर मार्केट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए सवालों पर बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने अब जवाब दिया। पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। पीयूष गोयल ने यह दावा किया कि फिर से मोदी सरकार की वापसी से राहुल गांधी परेशान है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और ऐसे आरोप लगाकर निवेश को प्रभावित करने के इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ पीयूष गोयल ने राहुल गांधी की जेपीसी जांच की मांग को बेबुनियाद बता दिया। एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है और शायद इस बात से राहुल गांधी जी बड़े परेशान नजर आते हैं और अपने बयानों के साथ विदेश और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने चिंता करनी चाहिए कि जब आंकड़े आ रहे थे और उनको ज्यादा सीटें थोड़ी मिली अनुमान से, तो अगर मार्केट गिरी तो ये दर्शाती है कि दुनिया और देश के निवेशकों का कितना डर था कि राहुल गांधी जी की वोटें बढ़ रही हैं या सीटें बढ़ रही हैं, उसका भय दर्शाता है कि उनकी सरकार आने से लोगों में कितना विश्वास है कि तकलीफ आएगी। तो उसका तो राहुल गांधी जी ने चिंता करनी चाहिए कि उनकी सीटें थोड़ी बढ़ने से दुनिया में और देश में कितनी खलबली मच गई। अब जब लोगों को विश्वास हो गया कि मोदी सरकार आ रही है, फिर मार्केट स्टेबलाइज हो गई और पुराने आंकड़े वापस आ गए। 3 और 4 जून को शेयर बाजार में मची उथल पुथल पर सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे। उन्होंने 4 जून को शेयर बाजार में हुई भारी गिरावट को बड़ा घोटाला बताया और इसकी जेपीसी जांच कराने की मांग कर दी। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोल्स्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। तो राहुल गांधी ने कल जो बयान दिया वो आपने सुना। अब राहुल गांधी के आरोपों पर एनडीए नेताओं ने भी पलटवार कर दिया। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनते हैं। शेयर मार्केट में तो जो लोग लगाते हैं उनका अपना काम है, शेयर मार्केट का उसका बढ़ता है, कंपनी का मार्केट बढ़ता है, घटता है, ऊपर नीचे जाता है, वो क्या कहेंगे? उनका तो काम ही है कि लोकतंत्र में अगर चुनाव हार गए हैं
तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि वो चुनाव हार गए। कि राहुल गांधी जिस प्रकार से बेबुनियाद और अनावश्यक बातें करते हैं ये ठीक नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, दुनिया में भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आई है और अब दुनिया में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो कल राहुल गांधी प्रेस से मुखातिब थे, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगा दिया कि इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा है और जेपीसी जांच कराने की मांग उन्होंने कर दी, और दूसरी तरफ निवेशकों को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है, ये पलटवार कर दिया पीयूष गोयल ने। तो कल एक तरफ पीएम ने शेयर बाजार पर टिप्पणी की थी, उन्होंने सीधे सीधे चुनाव के दौरान शेयर बाजार पर टिप्पणी की थी, ये कहा राहुल गांधी ने, और जेपीसी जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शेयर मार्केट धड़ाम हुई उसके लिए निवेशकों का जितना पैसा डूबा, इन्वेस्टर्स का जो पैसा डूबा है, सीधे सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन जवाब पीयूष गोयल ने दिया, उन्होंने कहा जो इन्वेस्टर्स हैं देश के, जो निवेशक हैं, उनको पूरा भरोसा है और साथ साथ आम निवेशकों को फायदा भी मिल रहा है। ये पलटवार किया पीयूष गोयल। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच अजीत पवार से जुड़ी यह खबर है। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कई एमएलए एनसीपी शरद पवार गुट के संपर्क में। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने किया है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो पार्टी छोड़कर गए थे वो उनसे संपर्क में है, 9 जून के बाद इस पर अहम फैसला लिया जा सकता है। बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में है और हमारे कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए हम पार्टी के अंदरूनी अंदर बात करेंगे। थोड़ा सा 9 तारीख को हमारी महाराष्ट्र राष्ट्र भारत के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग 9 तारीख को होने वाली है, उसमें ये सारे विचार उसके सामने रखने पड़ेंगे। और आइए सीधे रुक करते हैं मुंबई का विवेक गुप्ता, मेरे सहयोगी वहां से जुड़ रहे। विवेक, ये जो दावा कर रहे हैं जयंत पाटिल, इसकी सच्चाई क्या है, क्या अपडेट? पंकज देखिए, सबसे पहले ये जो दावा कर रहे हैं जयंत पाटिल, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रेसिडेंट हैं और शरद पवार के बहुत ही करीबी नेता हैं। अगर ये नेता कैमरे पे आके दावा करे कि 18 से 19 विधायक उनके संपर्क में हैं और 9 तारीख को ये फैसला लिया जाएगा, फाइनल कॉल जो है वो शरद पवार लेंगे कि इन विधायकों को वापस लेना है या नहीं लेना है, वो तय करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा दावा है पंकज जी, इस बात को समझने की बहुत जरूरी है कि ये लोकसभा चुनाव में महायुति ने प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा रहा। अब 4 महीने बाद अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, सब कुछ एमएलए पे डिपेंड होगा, 228 सीटों पे चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले बहुत ज्यादा एनसीपी में बंटवारा हो गया, सिरसा में बंटवारा हो गया। अब एनसीपी जो शरद पवार गुट है बड़ा दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार गुट का कहना है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। विवेक, ऐसे में अहम बात ये हो जाती है, शरद पवार को तो एक तरह से चाणक्य कहा जाता है, कहा जाता भी था, तो अब जिसका पलड़ा भारी कभी चाचा का पलड़ा भारी तो चाचा की तरह, भतीजे का पलड़ा भारी तो भतीजे की तरह, फिर से चाचा का पलड़ा भारी हुआ है, तो ये बात तो नोट कर रहे होंगे ना शरद पवार? बिल्कुल जी, का पंकज आपने देखिए, अब पटला पूरी तरफ शरद पवार का भारी है। अब सारे एमएलए को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस बार जो परफॉर्मेंस है उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो विधानसभा चुनावों में हो सकता है जो अक्टूबर में होने, इसलिए अब जयंत पाटिल, रोहित पवार जो शरद पवार के फैमिली मेंबर है, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि 18 से 19 विधायक हमारे संपर्क में है, फाइनल कॉल जो है शरद पवार लेंगे। 9 जून काफी अहम दिन होगा, उस दिन शरद पवार ये फैसला लेंगे कि जो विधायक उनके संपर्क में उन्हें वापस लेना है या नहीं लेना है। लेकिन दूसरी तरफ जो अजीत पवार गुट के नेता हैं, सांसद हैं, जीते हुए सांसद हैं सुनील तटकरे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, पटरी पर उतारने की कोशिश की जा रही है, सारे जो विधायक है वो इंटैक्ट हैं। लेकिन पंकज जी, जिस तरीके से अजीत पवार ने कल मीटिंग बुलाई थी होटल में, उसमें से 5 विधायक जो है वो आए नहीं थे, उन्होंने कहा कि उनकी तबियत खराब है, पर्सनल कमिटमेंट है, तो उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे कि क्या ये 5 विधायक नाराज हैं, क्या ये 5 विधायक चेंज कर सकते हैं। तो 9 तारीख को इस पर अहम फैसला लिया जाएगा, ये बड़ी अपडेट है महाराष्ट्र से जिसके बारे में हमें जानकारी दे रहे थे विवेक गुप्ता। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के।